हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ऑनली नौशाद अली। थैंक गॉड मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर मैंने देखा है। स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन सर। वैसे बॉलीवुड की लगभग आजकल सभी मूवी बायकॉट के दायरे में आ रही है। हर किसी मूवी के ऊपर बायकॉट ट्रेंड कर रहा है और एक और मूवी ये बहुत जल्द बायकॉट के दायरे में आने वाली है। वो क्यों, चलिए बताता हूँ। मूवी की कहानी जो ट्रेलर के जरिए पता लग रही है वो ये कि अयान मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वो फिलहाल ना जिंदा है ना मरा है, कहीं बीच में लटक गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ट्रेलर में अजय देवगन सर बोल रहे हैं जो चित्रगुप्त बने हैं। जी हाँ, भगवान चित्रगुप्त जो लोगों के कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, किसके कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा, ये सारी चीजें वही डिसाइड करते हैं। और फिलहाल उनके सामने बैठे हैं आयान जो अपने कर्मों का लेखा जोखा सुन रहे हैं और भगवान चित्रगुप्त के साथ खेल रहे हैं गेम, द गेम ऑफ लाइफ। पर ये मूवी बायकॉट के दायरे में क्यों आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से भगवान चित्रगुप्त को दिखाया गया है, उनका पहनावा जो दिखाया गया है, उससे काफी ज्यादा हिंदू लोग नाराज हो रहे हैं। क्योंकि भगवान चित्रगुप्त का पहनावा जैसा इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और उनके पीछे जो दो लड़कियां खड़ी हुई दिखाई गई हैं जो टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं, क्या सच में यमलोक में ऐसी लड़कियां रहती हैं? बिल्कुल नहीं रहती, पर इस मूवी के अंदर ऐसा ही दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर जो यमलोक है, जो यमदूत है, भगवान चित्रगुप्त है, वो सब काफी मॉडर्न दिखाए गए हैं। वैसे अभी तक हमारी पृथ्वी पर ऐसा होता था कि जब पृथ्वी पर जीवन हुआ था, इंसान पहली बार धरती पर आया था, उसके पास ज्यादा कुछ सुविधा के साधन नहीं थे, वो बेचारा कपड़ों की जगह पत्ते वत्ते लपेट कर रहता था। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया, साइंस ने तरक्की की और आज इंसान सूट बूट पहनकर घूमते हैं। और अब इस मूवी के जरिए यमलोक के अंदर भगवान चित्रगुप्त को भी सूट बूट में दिखा दिया गया है। अब क्या सच में भगवान चित्रगुप्त सूट बूट पहनने लगे हैं, वो तो उन्हीं को मालूम होगा। पर हाँ, इस ट्रेलर को देखकर पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क रही है। खैर, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो ये आएगी इस दिवाली 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों के अंदर। अब देखते हैं पब्लिक इसको कितना प्यार देती है या फिर हैशटैग बायकॉट थैंक गॉड ट्रेंडिंग में आने वाला है, ये तो बहुत जल्द पता लग ही जाएगा। खैर, आप बताइए कि ट्रेलर अगर आपने देखा है, ट्रेलर आपको कैसा लगा, इसकी कॉमेडी कैसी लगी और जो नए यमलोक दिखाया गया है, नए भगवान चित्रगुप्त देखने को मिले हैं, वो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें। खैर, आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें ताकि जब भी फेसबुक पर कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।